उतरन। जल्दी करो बेटा, लेट हो रहा है मुझे। सब हो गया। किस्मत तो चमक गई टकलू यार। चल बच्चों को दिखाते हैं। इच्छा, कुछ ही दिनों में हमारी स्कूल खुलने वाली है, फिर हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। हम तुम्हारे साथ सिर्फ शाम को खेल पाएंगे। फिर हमें पढ़ाई, होमवर्क, एग्जाम सब कुछ करना पड़ेगा। पप्पू, स्कूल जाने से तू बड़ा आदमी बनेगी, है ना? पता है हमारी माँ क्या कहती है? कहती है कि पढ़ लिख कर स्कूल जाकर हमें बहुत कुछ करना है। और पापा कहते हैं हम बड़े होकर है ना डॉक्टर बनेंगे। पप्पू, ये क्या है? बड़ा लट्टू है? ये लट्टू नहीं है, ये वर्ल्ड है, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया इस गोले में? हाँ, पूरी दुनिया इस छोटे से गोले में। ये देखो, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा मुंबई है। हाँ, इस शहर में हम रहते हैं। इस छोटी सी बिंदी में, ये तो कुकी की बिंदी से भी छोटी बिंदी है। इसमें इसमें इतनी बड़ी हवेली कैसे आएगी? इसमें तो हवेली खोली नहीं, 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 बच्चा का घर तक नहीं आएगा। चलो चलो, हम लोग ये गेम खेलते हैं। मंदिर गई थी मन्नत मांगने, इचकी का स्कूल में दाखिला हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह जरूर होगा, तू फिक्र क्यों करती है? अच्छा ये बता, तूने इच्छा को बताया कि नहीं? नहीं नहीं नानी, अभी नहीं। आप तो इचकी को जानती हैं, एक बार किसी बात का भूत उसके सर पे सवार हो जाए तो उतरना मुश्किल है। अगर उसका दाखिला नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों सोचती है तू? अल्लाह सब ठीक करेगा। अल्लाह इच्छा के अरमान भी पूरे करेगा और सारी ख्वाहिशें भी पूरे करेगा। क्यों करेगा ना? ये तो बहुत महंगा लगता है बे। इसे बेच के बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तब तो आप इन पैसों से कुकी की दवाइयां खरीदेंगे और नानी के लिए चश्मा भी। अरे टकलू बच्चू, पता है अभी चीचा स्कूल जाएगी। कार से लाया टकलू? जूता चमकाते चमकाते आज अपन की किस्मत चमक गई है। अभी अपन इसे बेच के बहुत सारे पैसे लाएंगे। पर ये किसका है? एक साहब भूल गया। नहीं टकलू, इसे लौटा दे। लौटा दूं? अरे पगली, भगवान ने तो इसे अपुन की झोली में डाला है। अरे इन बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अब तक नया ले लिया होगा। नहीं ये गलत है, मैं अब भी जाके नानी को बता के आती हूँ। जा जा जा। अरे बच्चन बंद कर। क्या करूँ मैं? बंद करना। अम्मा सुन तो मेरी बात पहले, तपस्या का स्कूल खुलने वाला है। ठकुराई ने उसके लिए बैग और बाटल और वो गोल गोल होता है ना, दुनिया दुनिया लेकर आई है उसके लिए। अम्मा तपस्या तो मेरे साथ नहीं खेलेगी ना, वो तो स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। इचकी ले
ले इचकी, चल जल्दी दूध पी ले, चल। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरी इचकी भी स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, काबिल बनेगी। बस कल का इंतजार है। हे भगवान, सब तेरे हाथ में है। मैडम चले, सब कुछ हो गया, जाइए। आप बोलते हो हीरा के मालिक
अरे अच्छा, तुझसे मिलना था, बस तेरी बहुत याद आ रही थी। ये बोल, कुकी नहीं आई क्या? वो ठीक तो है ना? अरे वो तो खुशी से ऐसा डांस कर रही है। हम थी, कुकी डांस कर रही थी, वो ठीक हो गई क्या? अरे नहीं रे, हम सब बहुत खुश हैं, पता है क्यों? क्योंकि अब तू स्कूल जाने वाली है। अरे कल तेरी अम्मू आई थी बस्ती में, उसने सब कुछ बता दी, उसने तुझे दाखिला करवाया स्कूल में। सच? मैं स्कूल जाऊंगी? अम्मू ने तो मेरे को बताया नहीं है। अरे शायद सरप्राइज देगी। अब तो तू भी सब लोगों के बच्चों की तरह बस्ता लटका के स्कूल जाएगी, फट फट अंग्रेजी बोलेंगी, हमको बोलेगी, ओ गॉड बोलेगी, राइट रॉन्ग बोलेगी। वाह, क्या रंग आया है हलवे पे। क्या खुशबू है। क्यों भाई ज्योति, हमारे हलवे की खुशबू बाहर तक आ रही थी ना? मैं तो परेशान हो गई, कभी माता जी पुकारती है, कभी ठकुराई, मैं भी इंसान हूँ और ये दामनी पता नहीं कहाँ गई। वो बाहर जाती है तो तेरे पेट में काहे मरोड़ उठ रही है भैया, वो किचन का आटा पिसवाने गई है। मैं सब समझती हूँ, ये दामनी कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रही है। हमारी रसोई में हमारे हलवे के सिवाय खिचड़ी भी पक रही है और हमको उसकी महक तक नहीं आई। पर मुझे महक आ रही है, बचकर चाय की कहाँ? कितने प्यार से मैंने उसका नाम रखा था इच्छा, लेकिन मैं उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाती हूँ नानी। सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके, फिर मेरी इच की कोई दाखिला क्यों नहीं मिला? शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरी बच्ची को ये सब देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। ले पानी पी ले नानी, मैं उसे अपने जैसा नहीं बनाना चाहती, मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन मैं हार गई। हिम्मत मत हारना, अल्लाह तेरा हर सपना पूरा करेगा। मैंने भी अल्लाह से मन्नत मानी और अल्लाह तो अच्छे तरीके से जानता है कि जब अंजुम नानी को गुस्सा आता है तो झूठी तसल्ली मत दीजिए नानी, अगर ऊपर वाले को कुछ करना होता तो वो कर देता। मैंने सोचा था आज घर जाऊंगी, उसे खुशखबरी दूंगी तो उसका चेहरा हिम्मत रख मेरी बच्ची, हिम्मत रख, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। Once upon a time, there lived a king. He had all the comforts and luxuries in his palace. He had a big routine of servants to look after all his needs and to serve him day and night. Icha, आज तुम्हारी खुश लग रही हो? हाँ, बताओ क्यों? नहीं, हम खुद ही गेस कर लेते हैं। अम्मू ने तुम्हें कोई नया खिलौना दिलाया क्या? चोरी चुके चीनी खाई बिना अम्मू को बिताए? तुमने पक्या को डांस करते हुए देखा होगा।
अच्छा मेरे को पढ़ने देना। पर तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता। पर अब आएगा टप्पू, फिर मैं भी ऐसी किताबें पढ़ूंगी, स्कूल जाऊंगी, पढ़ना लिखना सीखूंगी और बाटल से पानी पीऊंगी। बाटल से? सच? हाँ, देखो पता है अम्मो ने मेरा नाम स्कूल में दाखिल करवाया है। दाखिल? उसका मतलब? वो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन टप्पू अभी से मैं स्कूल जाऊंगी। सच? कितना मजा करा, हम दोनों स्कूल जाएंगे। स्कूल जाएंगे? नहीं जी, स्कूल नहीं, स्कूल स्कूल। अच्छा ये सब छोड़, कितना मजा आएगा ना, क्लास में पढ़ाई करेंगे, फिर इकट्ठा होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने के बाद हम दोनों खेलने जाएंगे, ठीक है? एक मिनट रुक, चलो हम दोनों जाएंगे स्कूल, करेंगे पढ़ाई, हम दोनों खेलेंगे रोज। बीबी जी, ठाकुरानी ने आपको बुलाया है, आपके स्कूल का यूनिफॉर्म का नाप देना है ना, वो टेलर आए हैं। अच्छा तुम यही रुको, हम अभी आते हैं, ठीक है? पक्का? हाँ। अम्मो, थैंक यू। अम्मो, तुम्हें को सरप्राइज देने वाली थी ना, लेकिन अम्मो मेरे को पहले ही पता चल गया। क्या पता चल गया बेटा? तपस्या की तरह अब मैं भी स्कूल जाऊंगी ना। वो क्या है ना बेटा, बड़ा लाड़ प्यार हो रहा है दोनों माँ बेटियों में। तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा यहाँ से, तेरी वजह से हमारी टप्पू का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, चल जा। तू घड़ी घड़ी क्या देख रही है, हलवा बनाने को बोला था ना, चल जा लेके आ। गई नहीं अब तक, जा यहां से। रोज रोज इन्हें घूमने का बहाना चाहिए, हमारा बस चले ना तो इन दोनों को उठा के हवेली से बाहर फेंक दे, क्या करे तरस आ जाता है। बनूंगी ना।
सारी करते बेटा। वो स्कूल के दाखिले की लिस्ट में तेरा नाम नहीं था। तू स्कूल नहीं जा सकती बेटा।